ये है 12 साल की हनाया निसार, जिसने साउथ कोरिया में इंटरनेशनल कराटे चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के जरिए हनाया निसार की जमकर तारीफ की। और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है हनाया ने मेहनत और लगन से कराटे का अभ्यास किया, उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया। मैं सभी देशवासियों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हनाया को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। पीएम मोदी द्वारा सार्वजनिक मंच पर प्रोत्साहित किए जाने के बाद निसार ने कहा कि वो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही हनाया ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। आज जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा मन की बात में मेरे बारे में बोला, मुझे अप्रिसिएट करा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक प्राउड फील हो गया कि लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन हुआ। तो अब ज़्यादा मतलब लग रहा है कि नहीं, और थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, इससे भी ऊपर जाना है। आपको बता दें कि 12 साल की कराटे चैंपियन हनाया निसार साउथ कश्मीर के अनंतनाग सेक्टर के कोकरनाग की रहने वाली हैं और उन्होंने हाल ही में साउथ कोरिया में हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इससे पहले गोवा में हुए फेडरेशन नेशनल में भी हनाया ने गोल्ड पर कब्जा जमाया था। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।